वेलकम बैक टू द चैनी वन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप सबको ये चीज पता होगा, फ्री फायर के नॉर्मल मैचेस में सिंगल स्नाइपर या तो डबल स्नाइपर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट्स की तो वही बंदे सिर्फ स्नाइपर चलाते हैं जिनके पास स्नाइपर चलाने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। और ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड के इन्हीं एक्सपीरियंस प्लेयर्स में से 5 ऐसे लेजेंड्स है जो पूरे ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड में सबसे बेस्ट स्नाइपर चलाते हैं। ये बंदे इतना अच्छा स्नाइपर चलाते हैं कि आप भी इस वीडियो के बाद इनके फैन हो जाओ। आज का वीडियो इन्हीं 5 ग्रेटेस्ट ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर्स के ऊपर होने वाला है जो पूरे वर्ल्ड के सबसे डेंजरस और सबसे परफेक्ट ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर्स माने जाते हैं। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को एंड तक देखना और याद से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पहले बात करते हैं 5th नंबर पे जो हमारे ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर लेजेंड आते हैं और ये पूरे इंडोनेशिया सर्वर के सबसे ग्रेटेस्ट ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर माने जाते हैं। इनका नाम है द किंग ऑफ स्नाइपर फ्रॉम इंडोनेशिया सर्वर, इवो सैम 13। सैम 13 अभी के टाइम में इवोस ई-स्पोर्ट्स इंडोनेशिया से खेलते हैं एंड इनका रियल नेम है सैफुल मुहर्रम। एंड मार्च 2019 में इन्हें अपना फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट खेला और पहले ही टूर्नामेंट में चैंपियन बन के निकले। एंड इसी टूर्नामेंट को जीतने के बाद इनको 2019 का वर्ल्ड कप खेलने को मिला था, जिसमें इवो सैम की टीम ने बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस दिया और उसी टूर्नामेंट में इवो सैम ने सबसे ज्यादा किल्स किए। बैकग्राउंड में क्लियरली इवो सैम का गेम प्ले देख सकते हो और आप देख सकते हो कि इतने बड़े टूर्नामेंट्स में कितना कॉन्फिडेंटली स्नाइपर चलाते हैं। और इवो सैम ने अपने इस ई-स्पोर्ट्स करियर में बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल टूर्नामेंट जीते हैं। ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ उनके स्नाइपर गेम प्ले की वजह से। इनका एक यूट्यूब चैनल है सैफुल मुहर्रम जिसपे ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो क्या आपको सैम 13 द बेस्ट ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर ऑफ इंडोनेशिया सर्वर के बारे में पता था? मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। बात करते हैं 4th नंबर पे जो हमारे ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर लेजेंड आते हैं और ये पूरे इंडिया सर्वर के सबसे डेंजरस ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर भी माने जाते हैं। इनका नाम है द वन एंड ओनली पहाड़ी फ्रॉम टीम इलीट। पहाड़ी इकलौते ई-स्पोर्ट्स प्लेयर है इंडिया सर्वर के जिनको ऑफिशियली खुद गरीना ने स्नाइपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। सच में अपने परफेक्ट स्नाइपर गेम प्ले की वजह से वो अवार्ड डिजर्व करता है। वैसे तो पहाड़ी ने बहुत सारे अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स खेले, लेकिन इनका फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट 2020 FFIC फॉल था, जिसमें इनका टीम टॉप 2 पोजीशन पे आया था और उसी टूर्नामेंट में MVP भी आए थे। एंड इसी महीने इनने एक और FFIC फॉल खेला जिसमें इनकी टीम चैंपियन बनी। वैसे तो बहुत सारे स्नाइपर प्लेयर्स हैं इंडिया सर्वर में, लेकिन पहाड़ी जितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाला स्नाइपर प्लेयर पूरे इंडिया में कोई नहीं है। एंड इनके भी गेम प्ले में आपको कभी भी डर देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या आपको पहाड़ी फ्रॉम टीम इलीट के बारे में पता था? मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जितने भी भाई लोग देख रहे हो सब लोग इसको पूरा सुन। मेरे को पता है आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो टॉपअप नहीं कर पाते और हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं जहां से वो फ्री टॉपअप कर पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ एक ही तरीका है जहां से आप फ्री टॉपअप कर सकते हो और सस्ते में भी डायमंड्स खरीद सकते हो, और उस ऐप का नाम है विंजो ऐप। और क्या आपको पता है, अगर आप विंजो ऐप अपने 2-4 ही फ्रेंड्स के साथ रेफर करोगे आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप एक टॉपअप कर सको, और ये बात 100% सच है। और अगर आप रेफर के बगैर पैसे अर्न करना चाहते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे आसान से गेम्स मिलेंगे जैसे कि क्रिकेट, कैरम, लूडो, जिनको खेल के आप बहुत ही आसानी से पैसे अर्न कर सकते हो। और आपको ये चीज पता नहीं होगा, लेकिन अभी के टाइम में विंजो ऐप के बगैर आप फ्री फायर के डायमंड्स किसी भी और ऐप से नहीं खरीद सकते। और यही नहीं, विंजो ऐप में आप प्ले स्टोर से भी कम प्राइस में डायमंड्स खरीद सकते हो और आपको हर किसी टॉप अप पे एक्स्ट्रा बोनस डायमंड्स भी मिलेगी। और विंजो ऐप पे फ्री फायर के टूर्नामेंट्स भी होते हैं जहां पे आपको पर किल 40 रुपीज मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज सच बोलना चाहूंगा, एकदम गारंटी वाली बात, मैं पिछले 1 साल से सिर्फ विंजो से ही डायमंड्स बाय कर रहा हूं। इतने टाइम में एक चीज तो क्लियर हो गया कि इतना अच्छा एप्लीकेशन आपको फ्री फायर डायमंड्स के लिए नहीं मिल सकता है। तो आपको विंजो ऐप डाउनलोड करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे जाकर आप विजिट करो और डाउनलोड करो। और अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे आपको 50 रुपीज का फ्री बोनस भी मिलेगा। विंजो भाई के बात पे भरोसा होगा तो एक बार जरूर से जाके डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं 3rd नंबर पे जो हमारे ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर लेजेंड आते हैं एंड ये पूरे रशिया सर्वर के सबसे डेंजरस ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर माने जाते हैं। इनका नाम है द लेजेंड स्काईरिक्स फ्रॉम कजाकिस्तान। इन्होंने अपना फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट 2019 में फ्री फायर यूरेशिया कप खेला था। ये बंदा टॉप 3 पोजीशन से भी आगे हो सकता था, लेकिन ये उतने ज्यादा कंसिस्टेंट अपने ई-स्पोर्ट्स करियर में नहीं है, क्योंकि ये बंदा बहुत ही कम ऑफिशियल टूर्नामेंट्स खेलता है, लेकिन जब भी खेलता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। एंड हाल ही में इसने 2021 का प्रो लीग खेला जिसमें इसकी टीम चैंपियन बनी। एंड रिसेंटली जो 2021 का वर्ल्ड कप सीरीज हुआ था उसमें इनने खेला था और इनका टीम साइलेंस 3rd पोजीशन पे आए थे। एंड वर्ल्ड कप सीरीज में अपनी टीम को 3rd पोजीशन में लाने में स्काईरिक्स का बहुत ही बड़ा योगदान।
योगदान था एंड वो सब पॉसिबल हो पाया उसके स्नाइपर गेम प्ले की वजह से। एंड इस साल की वर्ल्ड चैंपियन टीम फियोनिक्स फोर्स के कोच ने भी कुछ ऐसा बोला, स्काइरिक्स हमारी टीम के लिए सबसे टफेस्ट कंटेंडर रहा है क्योंकि ये बंदा सच में बहुत ही खतरनाक स्नाइपर चलाता है। तो क्या आपको स्काइरिक्स द ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर लेजेंड के बारे में पता था? मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो हमारे ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर लेजेंड आते हैं, पूरे ब्राजील सर्वर के सबसे डेंजरस ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर माने जाते हैं। इनका नाम है द वन एंड ओनली लाउड क्रूनोस, द बेस्ट ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर इन होल ब्राजील सर्वर। सच में इस बंदे का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके हाथ में कोई भी स्नाइपर दे दो, इसका परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट ही होगा। इस बंदे ने अपना फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट 2019 में खेला था एंड तब से लेके अभी तक ये ब्राजील के टॉप स्नाइपर प्लेयर माने जाते हैं और अपनी टीम को जिताने में हमेशा इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसी साल की वर्ल्ड सीरीज में इनका टीम लाउड टॉप 2 पे आया था और अपनी टीम को टॉप 2 लाने में क्रोनोस का बहुत ही बड़ा हाथ था। इस बंदे का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, इस बंदे ने फ्री फायर ई-स्पोर्ट्स ग्लोबल इवेंट्स में सबसे ज्यादा किल्स किए, मतलब आज तक जितने भी वर्ल्ड कप इवेंट्स हुए उनमें सबसे ज्यादा किल्स क्रोनोस ने किए। ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ क्रोनोस के स्नाइपर गेम प्ले की वजह से। तो क्या आपको लाउड क्रोनोस द बेस्ट ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर लेजेंड फ्रॉम ब्राजील सर्वर के बारे में पता था? मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो हमारे ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर लेजेंड आते हैं, अभी के टाइम में पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर माना जाता है। इनका नाम है द ग्रेटेस्ट ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर इन द वर्ल्ड, द वन एंड ओनली जियोना फ्रॉम फियोनिक्स फोर्स। फियोनिक्स फोर्स जो कि इस साल की वर्ल्ड चैंपियन टीम रही है, जियोना उसी टीम के स्नाइपर लेजेंड है। अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनने में जियोना ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। अभी के टाइम में जियोना थाईलैंड सर्वर के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के भी सबसे बेस्ट ई-स्पोर्ट्स स्नाइपर लेजेंड है। जियोना ने अपने ई-स्पोर्ट्स करियर में बहुत सारी टीम्स के साथ रहकर खेला है, लेकिन अकेला जियोना का ही परफॉर्मेंस अच्छा होता था और उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से उसने फियोनिक्स फोर्स ज्वाइन किया तब से उसकी किस्मत ही बदल गई, क्योंकि फियोनिक्स फोर्स में बाकी प्लेयर्स भी बहुत ही अच्छा खेलते हैं। उसी चीज की वजह से जियोना को और ज्यादा सपोर्ट मिला और ज्यादा अच्छा स्नाइपर चलाने के लिए। क्या आपको जियोना द किंग ऑफ स्नाइपर इन द होल ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बारे में पता था? मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। एंड यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।